बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बेसन की खंडियाँ जो बहुत ही मज़े की बनती हैं। उसके लिए सबसे पहले एक बाउल लिया और उसमें थोड़ा सा आधा कप दही मिक्स किया हुआ डालेंगे। सब्ज़ मिर्च बारीक काटी हुई है, दो सब्ज़ मिर्चें वो डालेंगे। थोड़ा सा प्याज डालेंगे, नमक हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, सुरख मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, डेढ़ कप के करीब इसमें पानी डालेंगे। अब यहाँ पे एक कप बेसन लिया था, उसे छान लिया है, वो इसमें डालते हैं। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, कोई गुठली बाकी ना रह जाए। अच्छी तरह मिक्स हो गया, आप देख सकते हैं। अब एक चम्मच इसमें घी का डाल देंगे। अब फ्लेम ऑन की है, इसे हम पतीली में डालेंगे। इसे अच्छे से पकाएंगे, बेसन का कच्चापन दूर करेंगे। इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे, बेसन नीचे ना लगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, घर में मौजूद चीज़ों से ही बन जाती है। गाढ़ा होना शुरू हो गया, इसे अच्छी तरह इसका पानी खुशक करेंगे और इसे एक डो की शक्ल देंगे। कुछ इस तरह का हो गया है। अब इसे नीचे उतारते हैं और किसी बर्तन में निकालते हैं, ठंडा होने के लिए रख देंगे। प्लेट में हम इसे निकाल रहे हैं, उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। डो को अच्छे से प्लेट में फैला दिया, आप देख सकते हैं। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा तो फिर इसकी कटिंग करेंगे। अब 1 घंटे तक ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, 1 घंटे के बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं, डो हमारी अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस शेप में आप चाहें काट सकते हैं इसे। टुकड़ियाँ हमारी कट गई हैं, बहुत ही आसानी से हम इसे उठा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसे फ्राई करते हैं। पहले घी गर्म होने के लिए चूल्हे पर रख दिया है, अब ये गर्म हो जाए तो इसमें ये टुकड़ियाँ डालेंगे। घी गर्म हो गया है, अब एक एक करके इसमें हम ये बेसन की टुकड़ियाँ डाल देंगे। इन्हें घी में हल्का सा फ्राई करेंगे। एक साइड से फ्राई हो चुकी है, साइड चेंज कर दी, अब दूसरी साइड से हल्की सी फ्राई करेंगे, फिर इसे बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह सारी टुकड़ियाँ फ्राई कर लेंगे और इतना कलर आना चाहिए, इससे डार्क नहीं होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। खंडियाँ हमारी सारी फ्राई हो गई हैं,
अब घी ऊपर रख लें और उसमें सबसे पहले प्याज डालते हैं। यहाँ पे मैंने दो प्याज लिए थे दरमियाने साइज के, और उन्हें बहुत बारीक छोटा छोटा कटिंग कर लिया, आप देख सकते हैं। सबसे पहले वो इसमें डालेंगे। प्याज पे हल्का सा कलर आने देंगे, ज्यादा डार्क कलर नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा। प्याज पे हल्का सा कलर आ गया, आप देख सकते हैं। अब इसमें एक खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब यहाँ पे तीन टमाटर लिए थे मैंने, उन्हें काट लिया था, वो इसमें डालते हैं। अब इसमें एक खाने का चम्मच नमक जाएगा। आधा चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, अब बिल्कुल हल्की सी आंच करेंगे और 5-6 मिनट के लिए इसे ढाँप लेंगे टमाटर, ताकि जो ये हमारे टमाटर है वो अच्छी तरह अंदर घुल जाए। आप देख सकते हैं टमाटर मिक्स हो गए हैं। एक चम्मच धनिया पाउडर जाएगा इसमें। अब इसमें हम एक गिलास पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। यहाँ पे जो पानी हमने इसमें डाला था उसे पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम ये खंडियाँ डालते हैं। खंडिया अंदर डाल के ज्यादा नहीं पकाएंगे, बिल्कुल हल्का सा पकाएंगे इसे। अब यहाँ पे इसके ऊपर सब्ज धनिया वो डाल देंगे, और यहाँ पे 4 से 5 मेरे पास सब्ज मिर्चे हैं, वो अंदर नहीं हमने डाली थी सालन बनाते हुए, और अब वो इस पे डाल देंगे। 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच करके इसे कवर कर देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे डिश आउट करते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार हमारी बेसन की खंडियाँ बन के तैयार हुई हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। फिर हाज़िर होंगे एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।